हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हाजिर हो चुकी हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग फिर से लेके आप लोगों के लिए, जो है रमज़ान स्पेशल। तो आज था चौथा रोज़ा, जिसकी छोटी मोटी तैयारियाँ जो मैं करती हूँ इफ्तार से पहले की, कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूँ। तो बस इफ्तार से पहले जो मैं तैयारी कर रही थी, मैं वही दिखा रही हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है चिप्स, जो मेरी बहन की फरमाइश थी कि उन्हें चिप्स खाने हैं इफ्तारी में। तो सबसे पहले मैंने ये मशीन ली चिप्स की, और मैंने ये बर्तन में पानी डाल लिया था। अब चिप्स क्या करना है, इसको बस बना लेना है। इसे कट करेंगे मशीन से, तो ये पतले पतले से अपने आप बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। मतलब फिर आपको ये करना होता है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद डायरेक्ट ऑयल में डालकर फ्राई करना होता है। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने पतले पतले चिप्स बने हैं। बस इसी तरह से ये रेडी हो जाते हैं। और मेरी आदत है, मैं जब भी चिप्स बनाती हूँ तो काफ़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और इफ्तारी के टाइम पर आपको पता ही है कि पूरे दिन का रोज़ा होता है, तो खाने पीने का एक अलग ही मज़ा आ जाता है। तो बस इन आलू के चिप्स को मैंने धोकर ड्राई करने के लिए रख दिया, और जब ये ड्राई हो गए थे तब मैंने इसको फ्राई किया था। गरम गरम तेल में इसको डाल दिया, और अब करना क्या है, इसको बस बीच बीच में स्टर करना है, और लगभग 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। तब ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो मेरी ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आप जब इस तरीके से चिप्स बनाएंगे, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, चाहें तो 15 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में, ये बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। और यहाँ आगे की तैयारी मैं आपको दिखा दूँ, जो चना चाट थी मैंने वो भी रेडी कर ली। यहाँ पापड़ भी मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, सब कुछ रेडी हो चुका था। और बस अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने चिप्स फ्राई किए हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मैंने बर्तन में इसको इसलिए डाला है क्योंकि मैं जब मसाला मिक्स करूंगी तो बिल्कुल इक्वली सारे चिप्स में अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। आप इसका क्रिस्प देख सकते हैं, कितने ईजिली ये टूट रहे हैं, मतलब ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर करें। फिर मैंने मसाला इसमें मिक्स कर दिया था, अब इसकी मैंने प्लेटिंग कर दी है। अभी प्लेट्स में निकलने के बाद बारी आती है फ्रूट्स कटिंग की, क्योंकि इफ्तारी का जो वक्त है वो बिल्कुल करीब आ रहा था। तो बस फिर फ्रूट्स की कटिंग भी स्टार्ट हो गई। यहाँ जो फ्रूट्स हैं वो मेरी दोनों बहनें कट कर रही हैं इफ्तारी के लिए। मुझे तो फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, स्पेशली वाटरमेलन मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बहुत मज़े लेकर खाती हूँ रोज़े में, वाटरमेलन मेरा बहुत फेवरेट है, मैं खाती हूँ। और यहाँ पे फ्रूट्स बस कट चुके थे, और अब बारी थी दस्तरखान लगने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरी इफ्तारी के दस्तरखान पर क्या क्या सजा हुआ है, तो ज़रूर आप देखिए। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका था, और ये बस पकौड़े जो हैं वो मेरे भाई बाहर से लेकर आए थे, बाकी सब कुछ घर में बनाया था, क्योंकि उन्हें आज बाहर के पकौड़े खाने का मन था, तो घर में मैंने पकौड़े नहीं बनाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा इफ्तारी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।